तो लोंडो कैसे हो? एंड लास्ट मैच के लिए मैं कहूँगा सॉरी, क्योंकि मेरी गेम की आवाज़ नहीं आ रही थी और मैंने स्टार्ट कर दिया. सो थिंक इज दैट बिकॉज मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं रात को ज़रा बात बूत कर रहा था ये वो, तो गेम की आवाज़ मेरे को बहुत इरिटेशन देती है. सो मैंने बंद कर दिया. तो दैट इज़ द थिंग. सो कोई चक्कर नहीं भैया, अब गलती इंसान से होती है तो और क्या बोल सकते हैं, माफ़ी दे दो बड़ा भाई ये छोटा भाई समझ के. एंड बाकी और सुनाओ कैसे चल रहा है हाल चाल. हाँ, और एक मिनट एक मैसेज कर लिया जाए जरा. ओके. आ रही, अब आवाज आ रही है. पहले हमने चेक कर लिया, मैं कहा मार पड़ जाएगी सबसे. सो इससे पहले भैया मार पड़े ये कंफर्म कर ले. सो जी हाँ, एक मिनट दीजिएगा जरा, सिर्फ एक मिनट. ये हो गया, ये हो गया. और कुछ रहता है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. एक मिनट भाई, कमेंटों में आ रहा हूँ मैं, एक मिनट दीजिएगा. और 95 बंदे हो चुके हैं और मैच स्टार्ट हो जाएगा. कोई ना, हमको बातें भी कवर करनी पड़ेंगी पिछले मैच की. ये शॉट बहुत भाई, एक क्या स्पैम कर रहा था, एक शॉट आउट भाई नेम रोहित. भाई बिग शॉट आउट टू रोहित मेरे भाई, आपको बहुत बड़ा भाई, मैंने सब्सक्राइब कर दिया. ओके ब्रदर, थैंक यू. कर लो भाई, भाई चेक कर ले भाई, मेरे 350 फ्रेंड पूरे हैं मेरे भाई. अगर कोई अनफ्रेंड होता है या कुछ भी जाता है तो स्ट्रेट वे मैं कर दूंगा. और गरुड़ा जी कहाँ है? गरुड़ा जी ने कर दिया. एंड और सुनाओ लोंडो, कौन कौन बैठा? जितने लोंडे बैठे हैं भैया, लाइक जरूर मारो, जरा लाइक मारो. फिर हम करते हैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट, जो भी है. एंड एसपी साझेदार हैकर है, क्या हो गया भाई, उसने क्या कर दिया एसपी ने? ऐसे यार, ऐसे मत बोला करो यार, अच्छे प्लेयरों को भाई यार, अपना एसपी भी. और टीम ओटी, ओटी बहुत दिन बाद आई है. ओटी आईसी रोहित एंड कूली, कूली की टीम है. T3F और ये है टीम KO, दिल्ली स्नाइपर की टीम. और IM की टीम है PRC7, ESO, ESO दो ESO है 8 और 9 पे. और XT, XT तो पक्का जाएगी, पजंकी जाएगी. सो उसके बाद माफिया है एंड लवली सिंह की टीम है. एंड UN7, PRC7, ये क्या मतलब तालमेल. ओके. और टीम में एडिट है, जो है एंड आयरन की टीम है. नियोनेक्स, BTB, BTB की बग्गा जी, वेज बग्गा बग्गा मांगता है बेंचो. और SP की टीम आ गई, हनी महल की टीम. एंड असोल्टर सोनू जो फ्रोस की टीम है, BMC है, कृति है. और नीचे हैं हमारे DMG जो एक्चुअली इट्स 47 टीम, बट हमारा हो रखा है अभी 47 का क्लैप. सो सभी 47 वाले आज से DMG के ही रूप में आपको दिखेंगे. सो अब ये देखते हैं भैया क्या बनता है. सो प्लेन पाथ है हमारा स्टेबलर से नोवो. सो लेट्स सी क्या बनता है इधर. ओहो, तो स्टेबलर से नोवो रेपनोई जाता हूँ प्लेन पाथ. एंड उसमें से देखते हैं क्या बातचीत होती है इनकी और कौन सी टीम उतरी है. स्टार्टिंग में उतर चुकी टीम नंबर 16 उतर चुकी है. याशना में उतरी है PRC7, UN7 दोनों उतरी हैं. और देखते हैं नोवो तक कौन सी कौन. T3F तो आई थिंक नोवो ही जाएगी, T3F वगैरह. सो ESO का देखने वाली बात है. ESO वैसे थोड़ा सेफ हो जाती है, लेट्स सी. और पचिंकी भी देखने वाली बात है, पचिंकी कौन कौन सी टीम जाती है. लिपोव का जॉर्जपुल के लिए भी एक आधी टीम तो जरूर ट्राई करेगी. एंड भाई लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं हुई 7 बजे की, बिकॉज मेरी मेरा मास्टर्स ऑफ रह गया था, दैट्स वाई. और अब ये देखते हैं क्या बनता है.
और टू स्वाइपर, भाई साहब तो ऑफलाइन खड़े हैं। और इनके पास भैया स्कूल में है टीम में, और शेरगिल साहब, लची, एक्वाजान, सब सब रुजोक में तो भैया क्या ही मिलेगा। और वाटर सिटी मेरे ख्याल से, जब वाटर सिटी की ट्राई करेंगे, और ये कहाँ, ये रुजोक में ही है, जी हाँ। और PRC 7 का चलते, PRC 7 जल्दी से चलते हैं, ये जाके बैठ चुके हैं, याशना में बैठे हैं। और PRC 7 के कल ने आई थिंक किसी को दिया है, हाँ जी हाँ। और प्रॉपर फिनिश दे देंगे क्रिप्टो को, और इतने में हम चलते हैं। फ्रोस्ट पे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रोस्ट ने भी कुछ ना कुछ तो किया है। एंड फ्रोस्ट किसके साथ बैठी थी, किसके साथ बैठी थी रे, पता नहीं। प्रकृति की टीम का देख लेते हैं इतने में। भाई इतनी फाइटें, इतनी फाइटें क्यों दिखा रहे भाई, मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा फालतू में, क्या फायदा। और BTB के स्ट्राइकर नोक है बाय एक्सी स्टॉर्म, सो इन पे मेरे ख्याल से रश बनता है। अब ये देखते हैं, ये भाई साहब तो पीछे है। और प्रभात ने किया है नॉक एंड क्रिलिन, सो शैंक्स बचते हैं इधर फिलहाल, तो ये तो भाई साहब बहुत ही दूर है। सो शैंक्स के पास पिस्टल है और कुछ कर नहीं पाएंगे बिल्कुल। और BTB की टीम इधर से बाहर होती है, क्योंकि ये वाले भाई साहब तो इस रेस में ही नहीं है मैं कहूंगा। तो XT और OS महल, महल पे चलते हैं। महल OP, ओपी ओपी क्या कर रहे हैं भैया। एंड जी हाँ, इधर हो रखा है कुछ ओपी माहौल। तो ओ हो, ये तो कुछ अलग ही सीन कर दिया उन्होंने, बट कोई चक्कर नहीं। इतने में हम चलते हैं, सामने एक नंबर टीम है, एक नंबर टीम के तीन ही बंदे हैं ये निशु के, तो इनका देखते हैं क्या बनता है। एंड PRC 7 कल उधर दे रहे हैं नॉक वैसे, सो मेरे ख्याल से PRC, ओहो एक नंबर के IC रोहित पे चलते हैं। IC रोहित मेरे ख्याल से क्लच करने को फिर रहे हैं, और पुश कर चुके हैं। सो इनके सामने SP और हनी महल है, और हनी महल वैसे पानी में है, सो स्पोर्ट हो पाते हैं कि नहीं। और ये प्रियन प्रियंशु को स्पोर्ट कर लिया गया है, दो बंदे इधर खड़े। तो बैरल का स्प्रे, और बट नहीं, हट गया बैरल का स्प्रे, हट गया। और ये क्या है, ये तो भाई साहब बहुत दूर है, ये भी ना बचा पाएंगे। और DS अली और SP ने इनको किया इस ट्रेड में बाहर, बहुत ही बढ़िया। एंड अब ये देखते हैं प्रियंशु क्या करते, प्रियंशु का तो पता नहीं। और हम चलते हैं PRC 7 पे मिनट से पहले, क्योंकि प्रियंशु भाई तो, और सॉरी प्रियजन भाई तो कर रहे हैं कैंपिंग। सो दिल कैंपिंग अब आप चंपक चंपक थोड़ी बात हो रखी है इनकी। और PRC 7 लिनिक्स, PRC 7 वर्सेस PRC 7 है वैसे। सो ये है महाभारत, महाभारत का टाइम आ रखा है, क्योंकि भाई भाई से लड़ रहा है। सो इसका देखते हैं। और हाँ, और गाइस हम सोच रहे हैं कल से अलग अलग मैप में करवाया करें मैच। सो रेंगल, मीरामार एंड एक सैनोग रखेंगे मजे के लिए। सो इधर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं है। और PRC 7 लिनिक्स हाथ में कचड़ पचड़ लेके, और वैसे हाथ में क्या, इन्होंने तो शोल्डर पे भी मिस कचड़ पचड़ ही टांगी हुई है। सो हल्क पे देखते हैं, हल्क अभी तक इधर ही है। और इनकी लिनिक्स, लिनिक्स नॉक हो चुके हैं अब। हो, जानते हैं तो मजे भी लेंगे भैया, PRC 7 एक दूसरे की ऑब्वियस ही बात है, तो ये तो मजे ले, मजे ले रहे हैं लो भैया मजे। इतने में हल्का नॉक, नेड आता हुआ, सो क्रोच करके बैठे रची, नहीं तो इनकी बात थोड़ी लेट चलेगी। इतने में हम एडिथ में, एडिथ की फाइट हो रही है नियोनेक्स के साथ, नियोनेक्स के सिर्फ एक बंदे बचे, वो दूर है, सो हम कहेंगे नहीं। और हल्क भी बाहर होते हैं उधर, PRC 7 ने अपनी दूसरी लाइनअप जो इनकी PRC 7 2 थी उनको बाहर किया। इधर मिल्टा में हो रही है फाइट, नियोनेक्स के सिर्फ रावण बचे हैं, रेवन बचे हैं, और सामने है नात्सु, सॉरी टीम एडिथ। और इतने में नोक, इधर नोक पे नोक चल रहे हैं। सो ESO के हैं, अनरियल नॉक हैं, और पेन इधर सीमैक पे देखते हैं। सीमैक अनरियल को पूरा फिनिश करने जा रहे हैं सोल्टी। सो सोल्टी मेरे ख्याल से क्रूति की मौत का बदला लेने को पूरी कोशिश कर रहे हैं, सो लेट्स सी। और कर चुके हैं बिल्कुल, एंड सोल्टी ने बाहर किया इनको। और लक्षित, कालनाग और सोल्टी बचे हैं, सो इनका देखते हैं भैया क्या सीन बनता है। और जितने भी लौंडे देख रहे हैं, ये लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
कैंडी ने क्या आपका आईपैड तोड़ा है जो वो नहीं खिलाओगे? वीकेंडी भाई, वीकेंडी भी खिलवा देंगे, ऐसे कर देंगे ना, एक दिन आपको वो खिलवा देंगे वीकेंडी, एक दिन सहनो। तो ओ भाई सॉल्टी नॉक हो चुके हैं सामने से, और इधर लक्षित भी नॉक हो गए। देखते हैं काल ना कुछ कर पाएंगे नहीं, क्या फनियर बन के इनको डस पाएंगे कि नहीं, उड़ता हुआ देखते हैं। और जनरल को स्प्रे और पेन को, नहीं, खड़े होके सीधे स्प्रे, और वो रिज के पीछे, रिज का सहारा लेते हुए उनकी तो एचपी भी नहीं कम हुई भैया। ये कैसे, ये कैसी बात है, ये कैसी स्प्रेस दे रहे हो? तो ऐसे स्प्रेस दोगे तो भैया पिटोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और टीम एडिट पे चलते हैं, एडिट जोन की टीम पे। सो नौ के मेरे ख्याल से जाते जाते न्यूनेक्स का बंदा इनको नॉक करके गया, बट कोई चक्कर नहीं, फिर से पैरों पे आनी बड़ी बात होती है, और पैरों पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं अभी फाइट किधर हो सकती है। जॉर्जबुल कौन सी टीम गई है? और जी हाँ, बीएमसी की टीम। वैसे जॉर्जबुल की टी टी थ्री आवाज ज्यादा ही सेम खेल रही है, क्योंकि और एसपी की टीम ने फिर से किसको दिया है? एसपी की टीम पे चलते हैं। एसपी, सो एसपी के पास कौन है? जो भी था निकाल दिया। अब एक्सटी पे चलते हैं हम इतने में। ओहो, एक्सटी को मुक्को से इसके मारने अंदर के है, लिए। जा जा पुश मार। हाँ, इसके अंदर है, इसके अंदर है, एक ही बंदा है, पुश मारना। ऊपर है, ऊपर है। और ये देखते हैं। अरे मत भागने देना इसको, इसकी स्क्वाड ओ बहुत भाई पीछे है, साहब, इसको मारो जल्दी। भाई साहब, ये तो कुछ जा अलग जा ही। जा और जा, सामने सामने, और एक बंदा रहता था उसको बढ़िया। भी फिनिश किया। सो बाहर ये एक करते चीज, एक्सटी की एक बंदा रहता था जो कि आई थिंक अबे बीडीबी के साथ था, रुकिए रुकिए उन्होंने रुकिए, इन्होंने कर अपने दिया। को कुछ और एक तो क्या ही बोले, दूसरों के कोई गेम पे काट दिया। नहीं मेरे भाई, मेरे ख्याल से एक्सटी के जो बंदे हमारे भाई साहब बाहर हुए, वो अपना दुख जाहिर करते हुए, सही बात, अरे बहुत बुरा कितना लगता है। बड़ा, मेरे को देख, मैंने सुना था और इसको, ये उसको देख मैंने लेते सुना हैं था। अब इनका भैया, एक तो मैं क्या ही करूंगा। एंड एडिथ की अबे टीम मेरे इधर हाथ में है, धन होती ना, ये मेरे को और नहीं। वैसे हाँ बहुत आज मूव चल रहा इधर देखते हैं है, ठीक हमारे है। लौंडे क्या कर रहे हैं, आरबी बूथ और डीएमजी ग्रुट। सो एक किल इनका है, एंड ठीक है, ग्रुट एक किल निकाल चुके हैं। और इनके पास टीम कौन सी? वैसे कुली नंबर 4, 1 2 3 आज मिसिंग है, 4 है। सो देखो मेरे यार क्या बनता है माहौल चाल। एंड बूम बाम इनके बीच में कभी भी हो सकती है। और एक मिनट देना जी, अभी तो वैसे बूम बाम दूर है, क्योंकि एक हाई एंगल से देखते हैं, काफी दूर है बूम बाम। सॉरी। सो द लवली की फाइट हो चुकी है भैया एसपी की टीम के साथ, और इनका देखते हैं क्या बनता है। एंड इनके भाई नौ के हैं। सो हनीमेल सिर्फ अकेले बचते हैं, हनीमेल देखते हैं क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे। एंड क्लच करना तो अभी थोड़ा दूर है, सो मेरे ख्याल से रिवाइविंग का देखेंगे, रिवाइव दे पाएंगे नहीं। उधर से शेरगिल नेट्स करते हुए द लवली नॉक है, लवली को हरनूर सिंह जा रहे हैं कि नहीं, पर मेरे ख्याल से ओहो बहुत ही बढ़िया नेट्स बहुत ही बढ़िया। और एसपी को उठा चुके, और अबे नहीं बीटीबी का मतलब वो नहीं भाई करते एसपी भाई, शार्ड, और बहुत बीटीबी का होता है क्या मुझे? बहुत ही भाई साहब, बहुत ही बढ़िया नेड मैं कहूंगा। और इसको कहते हम बहुत तालिबान के मूव का पास नहीं बंदा जाते, था। हमारे पास तालिबान आते। और उधर ओटी पे चलते हैं, ओटी के बंदे ने दिया है एक नॉक, तो पीएससी देने का ट्राई करेंगे साथ में ही। और PRC 7 के साथ इनका होता है, और फिनिक्स आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये और घुस रहे हैं सिर्फ ओटी लियो। तो देखते हैं लियो का एक लोट, सॉरी नेट, एंड बहुत ही बढ़िया रसीद। PRC 7 की एक बार पोजीशन चेक करते हैं। सो लेट्स सी इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से। और कुड़ी नंबर 2 ने उधर आरबी भूत को दिया है नॉक, बहुत ही बढ़िया। एंड भाई फील्डिंग लग चुकी है, अब ये देखते हैं जीनू पीछे से कवर देते हुए एंड लेट के। सो गाड़ी का कवर है, पेड़ का कवर है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड इन्होंने दिया है आई थिंक नाइटमेयर को नॉक दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। एंड ठीक स्टूबिडी इधर है, और लियो मेरे ख्याल से बहुत ही खुले में है, और जहाँ पे कोई नॉक कर दे तो बात बनती, पर नहीं नॉक नहीं कर पाए। रेड डॉट से कोशिश प्रॉपर की थी, पर गाड़ी पे सारा डैमेज लगा, कोई बॉडी शॉट्स नहीं लग पाए। सो अब ये देखते हैं इनका क्या बनता है।
और उधर T3F का मुश्किल हो गया काम, कर दे मुश्किल जीना इश्क मीना, वो वाला हिसाब हो रखा है। एंड आयरन ने उधर दे रखा है, सो एक बार T3F पे चले हम, T3F या ESO दोनों में से किसी भी चलते हैं, या आयरन, आयरन गेम पे चलते हैं सबसे पहले। आयरन ने लॉर्ड रावण वालों को बाहर गया और नाचते हुए शादी में नाचे गाए झूम के, और भाई ESO के कर रही है, ESO के डबल वन कर रखा है। सो T3F के चढ़ चुकी है, T3F की और डेथ भी बाहर होते हैं, डेथ को डेथ मिलती, और बाहर कर दी गई स्ट्रेट वे T3F को और ESO, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और हम इतने में वापस चलते हैं टीम एडिथ पे जाके, देखते हैं एडिथ में जाके क्या सीन चल रहा है, और एक बार ग्रूट पे भी घूम के आते हैं। तो इनकी फाइट चल रही है कुली, टीम नंबर कुली से, ले भाई ले टेंशन ले 25 टीम को। और अब ये देखते हैं कुली की टीम, कल कुली की टीम ने इधर बहुत ही बढ़िया, इसी घर में जिस घर में अभी ग्रूट बैठा है, ग्रूट बैठा है या भूत, हाँ भूत बैठा है, बहुत ही प्यारा क्लच दिखाया था अगेंस्ट T3F, और प्रॉपर IQ का यूज करके मैं कहूंगा मजा ला दिया था लोंडो ने। एंड अब देखते हैं आज से वो माउंट करते, और विंडो से ट्राई किया है भूत ने कि हाँ विंडो से मैं किसी को पिक ऑफ कर पाऊं, क्योंकि एक पिक ऑफ होना बहुत ही इनके लिए मुश्किल हो जाएगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि इनको पता है। और अब ये देखते हैं ग्रूट ऊपर लेट के, मेरे ख्याल से कूली नंबर 4 स्पॉट हो सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं क्यों फील आ रहा है क्योंकि, और नहीं 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 भाई, और नहीं भाई, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि किस्मत बचा गई, क्योंकि स्प्रे तो बहुत ही बढ़िया दिया था ग्रूट ने, बट किस्मत बचा गई मैं कहूंगा। एक बार कूली नंबर 4 का देखते हैं, और AW हाथ में भैया, AW हाथ में तो फिर क्या बात है। और ग्रूट अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हुए, और मेरे ख्याल से रोड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं अब पता लगेगा। सो लेट्स सी गाइस। और लौंडो जितने लौंडे देख रहे, पहली बात तो लाइक जरूर मार दो यार। एंड और हाँ, सो ग्रूट इधर से फ्लैंक करते हैं, आरबी भूत का देखते हैं एक बार, भूत इधर कैंपिंग पे मूड में है, सो लेटे हुए हैं, सो आई थिंक ये वेट कर रहे हैं ग्रूट की कॉल का कि भाई तू थोड़ा सा वो कर, अपने फ्लैंक कर ले, देन थोड़ा आगे घुसेंगे। और इधर यार ESO, लेनी और ESO की टीम को बाहर किया गया है बाय BMC, सो ESO की एक टीम बाहर हो चुकी है, और XC के साथ भी जाके भिड़ चुके हैं ये तो वैसे। सो XC के साथ देखते हैं, XC है, और इधर स्लेयर नो गए, स्लेयर को रिवाइव करने की प्रॉपर कोशिश दी जाएगी, और उधर हरनूर सिंह ने आरएफ रोज का दे दिया गया है नॉक, एलटीएस को क्या रिवाइव मिल रहा है। होली का पता नहीं क्यों लगता। ओके, सो रौनक इधर है, और मेरे नहीं मिल नहीं पाएगा एलटीएस को, एलटीएस को रिवाइव, और एलटीएस को बिल्कुल रिवाइव नहीं मिला, तनिष इनको बाहर किया है बहुत ही बढ़िया। एंड इधर BMC के सामने है IM, टीम IM, और एक बहुत ही प्यारा नेड आता हुआ, सो ओहो, और AW हाथ में चला के देखते खुले में भाग रहे, एक आधा नोक तो बनता है भैया, एक रनिंग शॉट दिखा दो प्यारा सा हमारे व्यूवर्स को। सो इनका देखते हैं, और चिराग वैसे कुछ कर नहीं पाए AW हाथ लेके, और AW को पता नहीं भैया ये BMC कार्तिक को इन्होंने M4 से जरूर दे दिया है, बोला नॉक तो नॉक ही होता है मगर वो भैया। और मेरे ख्याल से कार्तिक भी दो नेड आते हुए, और पोजीशन चेंज हो गई है, बहुत ही पास है, बहुत ही पास नेड, बट चेंज कर चुके पोजीशन, अब DP से कवर फायर दे रहे पीछे से BMC से। सो लेट्स सी, और उधर मेरे चोर फ्रोस ने फ्रोस की टीम जाके द लवली द गिल्स की टीम पे चढ़ चुकी है। एंड SKS है सामने, रात तक गोल्फ, और बस ठीक है, सारी ना आ गए।
और घातक भूत। ओके हरनूर सिंह, हरनूर सिंह पे एक बार चलते हैं भैया, चलना बनता भी है वैसे। सो चौथा ये बार कर चुके हैं, सो हम थोड़ा सा लेट हो गए। आर एस रोज की टीम क्लच कर चुकी है। और कार्तिक को रिवाइव मिल रहा है भैया, बहुत ही बढ़िया है, जाके कवर दे दिया गया है। और इधर चलते हैं हम 25 पे, और 25 की ग्रुप भाग रहे हैं इधर से, क्योंकि उनको पता है जोन में रहने का कोई चक्कर ही नहीं है। और मेरे ख्याल से कूली वालों को जोन के चपेट में छोड़ के भागेंगे ये। और इधर घातक की टीम है पचिंकी के पास। सो अब ये देखते हैं ब्रिज कैम्प अभी तक हुआ नहीं, आई थिंक ये सो वाले ब्रिज कैम्प कर सकते हैं। और जोन रोटेशन आती हुई, अभी नया जोन कटेगा, सो उसके बाद देखते हैं जब कटेगा तो कहाँ तक बटेगा। इनकी टीम का देखते हैं असोल्टर स्टॉर्म। सो भाई की टीम का देखते हैं क्या बनता है। और ईएसओ वालों के साथ हैं ईएसओ के कलाम जी और डेविल, और 21 नंबर टीम के और भी बंदे आते हुए दो दो गाड़ी। और पीछे तेरे बंदा भाई, क्या मेरे ख्याल से ये नेट भाई पीछे वाले बंदे ने देख हरमना। अबे एसपी राजा को मार दे क्या बंदों ने? ओके। और ये सहदेव अंदर भागते हुए, जॉन विक इधर है और स्टॉर्म है, और स्टॉर्म ने बहुत ही बढ़िया डेवल को नॉक दे दिया। देखते कलाम जी, कलाम जी के आदमी अकेले, क्या देखते 1v4 कर पाएंगे। और डेवल को और पीछे से भागते हुए को नहीं, भागने ही नहीं दिया। चार किल के साथ ईएसओ की सेकंड लाइन अभी बाहर होती हुई, और बहुत ही बढ़िया दो बंदे, दोनों को एक बहुत ही प्यारा नेट, और उसके बाद स्टॉर्म ने दूसरे बार भी कर दिया। नाइस नाइस गाइस। और टीम एडिट किसी के साथ बैठ रही है क्या अभी तक? तो नहीं, माफिया टीम, माफिया टीम आजकल आज बहुत ही शांत चल रही है। और भसड़ की टीम भी आज भसड़ कोई नहीं ले रही, एक्सटी ने तो काफी कुछ पंगे ले लिए, दो बंदे भी दे दिए, और चार बंदे किसी और टीम के लिए भी लिए। और ये सब की सेकंड लाइन अब देखते हैं, चार किल के साथ घूम रही है, इनकी भी अभी कोई फाइट नहीं हो रही। और इवन PRC7 भी ठंडी है, IM भी फॉल बैक ले चुकी है कूली की टीम, और इधर OT। सो मोस्टली सारी ही टीमें मैं कहूँगा कि अभी फॉल बैक पे ही हैं, वो चाहते हैं कि हम एंड एंड वाले जोन तक जाएं। सो एंड वाले जोन की हर एक बंदा वेट कर रहा है। और इधर असोल्टर की टीम क्या देखते हैं, जी हाँ, बाबा बाबा पोस्ट की टीम वर्सेस फ्रोस्ट ने दिया जोन विक को बहुत ही बढ़िया नॉक। तो इधर देखते हैं सहदेव भी नॉक है, टॉम और सोन भी देखते हैं, और स्टॉम ने दिया स्प्रे देने की कोशिश की है, और सोनू भी नॉक है। देखते हैं स्टॉम अकेले बैठे हैं, 1v4 क्लच कर पाएंगे नहीं सामने फ्रोस्ट की टीम। और सोनू अभी तक शेक में बैठे हैं, और देख क्या रहे हो सोनू भैया वैसे? तो सोनू भैया भी चलते हैं, सोनू भैया पे चढ़ के आ चुके हैं। और बिल्कुल यार हफ्शी लौंडे चढ़ गए, ये तो हफ्शी हो के चढ़ गए भैया। इनको तो ऐसे लगा जैसे लॉकडाउन के बाद गर्लफ्रेंड को मिलने गया हो बंदा, वो हिसाब कर दिया इन्होंने आज। और BMC की टीम इधर थे थर्ड पार्टी करने पहुंच चुकी है, BMC बोले कोई चक्कर नहीं तेरी फाइट इधर है तो तेरी BMC इधर। और सामने बिल्कुल बोट फ्रोस नॉक हो चुके, पर कवर में जा चुके। और घातक बहुत ही प्यारा आर्या वुल्फ का, बहुत ही प्यारा मैं कहूंगा बैक फायर आता हुआ, कवर फायर देते ही साथ वुल्फ को नॉक कर दिया गया है। एंड अब ये देखते हैं क्या मतलब। और ये मेरे घर, और आर्या वुल्फ ने बहुत ही बढ़िया BMC कार्तिक को भी एक और नॉक दिया है, और बैठ के जो अपनी स्प्रे कंट्रोल की है बहुत ही लाजवाब मैं कहूंगा। एंड अब देखते हैं ये तक है कि यार मेरे को ये नहीं लग रहा। और एटॉमिक सॉरी BMC स्लेयर बचे, तो स्लेयर एक ही पेड़ के पीछे सबको पता है। सो अगर तो ये स्मोक करते ठीक, और बाबा फ्रोस्ट को स्पोर्ट कर लिया है थे ना स्लेयर में आते हुए, पर नहीं चाल कामयाब होती है। और बाबा फ्रोस्ट की टीम बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा, 15 किल के साथ घुस घुस के मार रही है अभी लौंडे। और इधर ग्रूट जो हैं, ग्रूट अपने कैंप कर रहे हैं, उनको पता है कि हाँ एंड तक जाएंगे, और अपनी टीम को बताएंगे भैया मैं सोलो वाली स्क्वाड चिकन करके आया, और मैं करके आया आज, मैं करके आया ये बोलेंगे। सो लेट्स सी, नॉक निकाला है बिल्कुल भाई बिल्कुल।
भाई टीम 25 ग्रूट अभी तक कैंपिंग कर रहा है भाई। ग्रूट की फाइट होती है, मैं स्ट्रेट वे उसी पे जाऊंगा, टेंशन ना लो। और अब देखते हैं, और XT रौनक ने IM को दिया है, इनकी फिर से फाइट हो चुकी है। XT रौनक पे चलते हैं, रौनक इधर, स्टॉर्म इधर है, और म्यूर दूर है वैसे आई थिंक अपनी टीम से। और चिराग की AWM देखते हैं, AWM चिराग कोई नॉक भी दे पाते कि नहीं, क्योंकि AWM लेके घूमना बड़ी बात नहीं है, नॉक निकालो तो मजा आता है। एक मिनट देना। और टीम एडिथ पे चलते हैं, टीम एडिथ की फाइट हो रही है, नात्सु और जोन बचे हैं, देखते हैं दो बंदे नॉक इनके, और यूजी हाथ में, और यूजी के साथ जिगल बहुत ही प्यारा। DP निकाल दी है साथ में, और जंप एंड फायर की ट्राई कर रहे हैं, और नात्सु नॉक है, और पीछे जोन का बहुत ही बेहतरीन कवर था जिगल देते हुए, और जोन अपनी सारी टीम को मैं कहूँगा बचा चुके हैं। और सबसे पहले जाएंगे ये, इसे दोनों की हेल्थ सेम ही थी, कर देते कोई जगह पर, चलो रिस्क नहीं लिया, बहुत ही बढ़िया बात मैं कहूँगा। एंड बट इनको गारा का एक छोटा सा मैं कहूँगा बलिदान देना पड़ा, बट कोई चक्कर नहीं, चलते रहता है। ओपी ब्रदर ओपी और रखेगा। एंड माफिया की टीम देखते हैं, माफिया की टीम भी अभी घूम रही है, सो लेट्स सी जो जो बंदा। और भैया ये जाके भिड़ चुके हैं एक्सी रोड के, एक्सी रोड के साथ, और रोड भैया ये क्या हुआ, गलत काम कर दिया भाई इन्होंने। भैया ना 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 ना, ये तो धोखा हो गया माफिया वालों के साथ, देखते ही देखते। तो भाई और ग्रुप को बाहर कर दिया गया है, और माफिया निक्स दे रहे पीछे से, नॉक्स दे रहे की ट्राई कर रहे हैं। ESO भाई ESO जनरल की टीम पे भी आ जाते हैं, बट वो अभी लड़ नहीं रही, सो ना XT। अब ये देखते हैं चोर फ्रोस्ट की टीम आई थी, और एडिथ और फ्रोस्ट, ओ भाई साहब तो जोन बचे, देखते जोन फिर से क्लच फायर कर पाए, नहीं 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 फ्रोस्ट बोले बोले भैया आज आज नहीं छोड़ी, छोड़ेंगे नहीं, कर लो बहन चो जो करना है करो, नहीं छोड़ेंगे भैया, जो आएगा पिट के जाएगा, फ्रोस्ट वाले लिख के आ रखे हैं, मैं कह रहा हूँ चमन प्राश खा के आ रखे हैं बहन चो। और देखते हैं चमन प्राश का कितना की आज फायदा उठाते हैं, और हम चलते ESO जनरल पे। ESO जनरल ने एक नॉक निकाला है, और जनरल ने बोला भैया सिपाही सिपाही होता है, जनरल जनरल होता है, तो जनरल की देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं जनरल जी। और जनरल एक बहुत प्यारा और नॉक निकाला है IM अंकित को, और श्राउड है इधर, तो ओहो जनरल नॉक हो चुके हैं भैया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जनरल साहब ऐसी बात थोड़ी ना, जंगे मैदान में आप शहीद होने को फिर रहे हो, फिर मेडल कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं ऐसे मत करो। और श्राउड घुस रहे हैं, श्राउड भाग रहे हैं वैसे, तो श्राउड अपने साथी का साथ छोड़ के जगह मैदान से भाग रहे हैं, सो कोई जगह नहीं इनका, देखते हैं। सो IM के वैसे दो नॉक थे, तो ओके सो जनरल बाहर होते हुए, पर जोन भी आता हुआ, सो आई थिंक गाड़ी तो कम से कम फाड़ के जाते इनकी, तो और भी मजा आता मेरे को, बट एवरीवन हैज ए डिफरेंट गेम प्ले, सो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड IM चिराग ने फाइनली एक दिया है नॉक, और एक्सी स्टॉर्म इनके सामने, सो स्टॉर्म पे देखते कुछ कर पाते थे कि नहीं, नहीं देख कर पाए। सो चिराग पे चलते, चिराग ने दिया है किसी ना किसी को तो नॉक दिया है, सो दिया किसको, ये बात देखने वाली है। PRC7 ESO किसको, और XG रौनक को दिया था, और XG बाहर होती हुई IM के हाथों। अब हमारे जल्लादगिरी पे आ रहे हैं फ्रोस की टीम, बहुत ही बढ़िया खेल रही है वैसे फ्रोस की टीम आज, और फ्रोस ने ओपी काम कर रखा है बिल्कुल। और फ्रोस के हाईएस्ट किलर कौन है, 7 किलर के साथ चोर फ्रोस, और चोर फ्रोस भाई हमेशा ही जब भी गेम प्ले दिखाते हैं मजेदार दिखाते हैं हमेशा, और वन ऑफ दी मोस्ट अंडररेटेड टीम में से एक है। सो कुछ टीमें हैं भाई जिनका मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया गेम प्ले है, हाँ, पर जरूरी नहीं यार हर बार आप ही चलोगे, ठीक है ना। सो गेम प्ले हर बंदे के पास है यार, गेम प्ले टेक्निक IQ हर बंदे के पास है, बात सारी ये है भाई पोजीशनिंग और टाइम, आपकी पोजीशन ही नहीं। अब जनरल भाई देखो खुलने में फंस गए, ठीक है, अब इनको भी तो खेलने आता है, सबको आता है भाई, ये ESO वाले भी आगे
खेलने सबको आता है भाई, ठीक है, बट अब तीन बंदे एक ही बंदे पे चढ़ जाए, वो तो भाई तीन बंदों में से किसी एक का मतलब वो ही होगा, चूती अप्पा होगा, वो नॉक हो जाएगा, दो का होगा, ठीक है, तीनों अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो भैया जाएंगे, सीधी सी बात है ये, सो थिंग इज दैट। और चिराग ने फिर से जोरदार BRC 7 कल को भी, और चोर प्रोस्ट उधर दे रहे हैं नॉक पे नॉक, कुली कुली की टीम को बाहर किया है सीधे स्ट्रेट में, 21 किल कर चुके हैं फ्रोस की टीम विदाउट एनी कैजुअलिटीज, सो इनका देखते हैं। आईएम की टीम के सामने BRC 7 और BRC 7 के स्कल नॉक हैं, और इन्होंने मेरे ख्याल से कार्नेज थे आई थिंक इनके साथ, तो कार्नेज को भी बाहर किया है, बहुत ही बढ़िया। सो लेट्स सी, इनके साथ जीनू हैं और लेट गए, और भैया इधर चिराग अपनी AWM प्रॉपर चलाते हुए, और भैया ये तो चिराग भाई को बोला है, चिराग भैया कोई चक्कर नहीं, थोड़ा ठंड डालो अपनी AWM को, और कारने इंटीग्रेट का भी थोड़ा सा स्वाद चख लो AWM वाले भैया, और 6x के कारने इंटीग्रेट की स्प्रे जाती है, और GTX को बार किया गया है, और बोट फ्रोस्ट ने एक बहुत ही प्यारा नेट डाल के आयरन को बार किया, जिनकी नहीं बार होती है, चार टीमें बती है, BRC 7 IM और OT PRC 7, सॉरी PRC 7 के सिर्फ दो बंदे, बाकी सब टीमों के चार चार बंदे, तो फाइट एक बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। मैं कहूँगा जोन रोटेशन के हिसाब से देखते हैं, जोन रोटेशन के हिसाब से बोट सॉरी फ्रोस की टीम अभी भी जोन के अंदर है, सो चोर फ्रोस की टीम लेट के नो रिकॉल स्प्रे, हमारे इलाका जी हमेशा बोलते हैं लेट के स्प्रे दूर दूर की, अगर दे रहे तो लेट के स्प्रे का ये भी ज्यादा भाई रिकॉल बहुत हेल्पफुल हो जाता है, एक लेट के एक क्राउच और फीचर बहुत करता है, पर लेट के नो रिकॉल लेजर स्प्रे देते हैं, और लेजर स्प्रे का फायदा उठाते हुए, और इधर देखते हैं IM के तनिष को रिवाइव मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, और हम देखते हैं पीछे से OT की, सो स्प्रे देते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, और चोर फोर से दिया है को नो, और मैंने हील करनी चाहिए भैया, कॉन्फिडेंस में मत आओ, और चोर फोर से इधर बाबा है आर्या और बोट, और PRC 7 ने IM चिराग, और PRC 7 ने नो कैन फिनिश दिया स्ट्रेट अवे चिराग को, और अब ये देखते हैं PRC 7 मुश्किल लेट के सुपर, और नहीं 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 कवर फायर आ गया भाई PRC 7 वाले किस्मत देखो, और IM स्टेट में बाहर होती है बहुत ही बढ़िया, और फ्रोस की टीम भैया 24 किल कर चुकी है, तो लेट्स सी आज कितने चिकन डिनर भी लेके जा, और नहीं बाबा जी की नहीं है पार ना लगी, और नहीं 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 पीछे से कवर फायर आता होगा पर जोन में नहीं है, सो छोड़ के भागने पड़ेगा। OT लियो इस साइड में, सो OT लियो ने एक नॉक दिया, एंड नाइटमेयर को बचा पाएंगे नहीं, तो चोर फ्रोस ने एक स्टेडियम एक और नॉक दे रहे हैं, चोर फ्रोस भैया अलग ही फॉर्म में चल रहा है, लौंडा 11 किल निकाल चुके हैं और 12वां नॉक है, सो इनका देखते हैं, सो हील अप करेंगे स्मोक का सारा लेके PRC 7, और नाइटमेयर भी बाहर है, सो 3v3 की लड़ाई है, और फ्रोस नॉक है, सो फ्रोस को रिवाइव मिल रहा है, उधर मेरे ख्याल से लियो नॉक हो चुके हैं, सो लियो को देखते हैं रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं, और PRC 7 थोड़ा सा अपनी पोजीशन लेके बैठे, उनको और चोरो भाई साहब स्प्रे, क्या ही स्प्रे भाई, क्या ही बैक फायर, मजा रिफ्लेक्स मैन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स और प्रैक्टिस भाई, जो सामने से मतलब कहने का भागते भागते रुक के इन्होंने निकाला है ना भाई, मजेदार भाई, फैन कर दिया भाई लोनों ने, बिग शॉट आउट, और 29 किल देखते हैं क्या 30 किल के साथ फ्रोस की टीम जीनू को बाहर करके चिकन ले पाती है, जीनू अपनी टीम को 9 किल के साथ चिकन लेके देते हैं, सो फ्रोस को वैसे जोन में भी जाना, 15 सेकंड में जोन आ रहा है, और लास्ट से जोन है, और इसके बाद तो भैया भूकंप होगा, सो लेट्स सी, और गलत भाई, बहुत गलत कर दिया भाई लोंडो ने, और भाई ये तो चोर भाई ने तो आज तो मजा के रखा हुआ है लोंडे ने, और 13 किल बहुत ही बढ़िया, और जीनू को ढूंढने की कोशिश, जीनू भी लेटे हैं, बोले कोई चक्कर नहीं भैया, भी लेटे हैं, करते रहो जो करना है, हम लेटे इधर ही बैठे हैं, सो डोंट यू वरी, आएगी ये हरी, एंड और बार बार जीनू को बार करके 30 किल के साथ बोट फ्रोस की टीम सॉरी फ्रोस की टीम ले चुकी है चिकन, बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा बिग शाउट आउट टू
टीम फ्रोस्ट भैया लॉन्डो ने क्या मचाया, बूम बम करा दिए, गांड फाड़ दिए बैंड चोद, मुंह में लंड दे दिया बैंड चोद फेटर्स के। सो गांड बजा के रख दी भाई लोगों ने, क्या ही बोलूं भाई। लॉन्डो मजेदार मजेदार, और बिग शॉट आउट भाई फ्रोस्ट के एक एक बंदे को, बिग शॉट आउट मैं एक को तो दूंगा ही नहीं, बाद में पता लगे बैच आके मेरे को गालियां देते, मेरे मगैम्बा भंसड़ी के मेरे को नहीं दिया। बिग शॉट आउट टू भाई ऑल टीम फ्रोस्ट और बाकी सभी को भी बिग बिग शॉट आउट भाई, जिन्होंने भी ये मैच में थे भाई सबको बिग शॉट आउट, सब ने बढ़िया खेला। प्लीज अगर आप नहीं जीत पाए तो इसका मतलब ये नहीं यार आप बुरा खेलते हो, एक पोजीशन होती है एक टाइम होता है, और लूट का भी भाई बहुत फर्क होता है, अगर आप पे लूट ना हो तो क्या ही कर लोगे। सो टेंशन लो, ये प्रैक्टिस ही है भाई, ठीक है आप आओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के भी आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। सो प्रैक्टिस मैच है, कह दी की दिक्कत है, फ्री तो है, पर बिग शॉट आउट भाई टीम फ्रोस्ट, और बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा रिफ्लेक्स आईक्यू और गन पावर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिखाया टीम फ्रोस्ट ने, मजा मजा ला दिया भाई लॉन्डो ने। और इतने में हम चेक करते हैं हाँ, सो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं है। एंड और सुनाओ लोंडो क्या चल रहा है, क्या क्यों क्या करेगा। और हेलो हेलो टू ऑल गाइस, चोरोपी ब्रोटोपी क्लच हो गया तो मजा आ जाएगा भाई, नहीं क्लच नहीं हो पाया कोई चक्कर नहीं। हाँ एक मिनट, एक मिनट देना गाइस। और अगला मैच हमारा 9:15 पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, सो जी इनका भी क्या बनता है माहौल चाल। हाँ और 500 रुपये, एक मिनट देना भैया। और ये हो गया, ये हो गया, आवाज आ रही है। एक तो आवाज ही ना आती बहन चो, आवाज आ रही है नीति। हेलो हाँ जी हाँ जी, एक कोई और वॉर वूर कुछ खेलते हैं। जी अरे फिर डुगो खेल कहते हैं वॉर इतने में, अरे वॉर तो है नहीं, स्नाइपर ट्रेनिंग लगा दूं फिर है नीति। स्नाइपर ट्रेनिंग अगर तो AWM आती है तो मजा आ जाएगा भाई, बोल्ट एक्शन का मजा आएगा वेंचर। एक मिनट रुकियो लव को पूछो, भूल गया तो आ लव भी आ रहा है देखता हूँ, अगर पिनाका भी आता है तो फिर इकट्ठे स्टार्ट कर लेते हैं। और अगला मैच भाई 9:15 स्टार्ट हो, तब तक थोड़ा दिखा देते हैं। रैकेट ऑन भाई, एनीथिंग अबाउट DMG47 भाई, DMG47 47 इज ऑफिशियली राइट नाउ कोलैब्ड विद DMG, सो 47 की क्लैन जो है हमारी वाइल्ड कैट, सो बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड, सो हम अपना ग्रो करने का वैसे सोच रहे थे तो हमने कोलैब किया है, सो विद फुल रिस्पेक्ट हमने उनको ऑफर किया था हाँ ये सब कुछ, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट रखते हुए
अपने हर एक बंदे का नाम 47 से डीएमजी किया, तो बिग शाउट आउट टू भाई 47। सो नाउ ऑफिशियली अनाउंसमेंट यही है भाई, 47 डीएमजी बन चुका है। सो इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन डीएमजी, सो केडी के बेस पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डाला जाएगा एंड ऑल दिस थिंग। एंड जो लड़कियां देख रही हैं, अगर आप डीएमजी में आना चाहते हो आ जाओ, एक प्रॉपर गर्ल्स की अलग लाइनअप बन रही है। उसकी मतलब जो मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज सब लड़के करेंगे, उसमें किसी लड़के की एंट्री नहीं है, कोई लड़की का इंटरफेरेंस नहीं है। सो अगर कोई लड़की आना चाहती है उसमें, बाकी जो लोंडे आना चाहते हैं कोई चक्कर नहीं भैया, हमको स्ट्रीम पे बता दो या फिर हमको इंस्टाग्राम पे एक बार अपने स्टैट्स वगैरह का कुछ सेंड कर दो, स्टैट्स वगैरह का कि हाँ भाई कितने मैच में कितनी केडी, उस हिसाब से आपको कुछ कर देंगे, पर कोई चक्कर नहीं। सो एक बार हमसे कॉन्टेक्ट कर लो जो भी डीएमजी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो बाकी बात कर लेंगे, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा खेल ले लो भैया, स्नाइपर ट्रेनिंग खेले, हाँ खेलो खेलो, स्नाइपर ट्रेनिंग खेलते हैं। सोस के को बुलाते हैं साथ में, गाली भी देते हैं शुरू तक। सोस के घर आ गया। अरे एक ना आधे बंदों को तुमने ना सीधे बाहर कर दिया था ना क्लैन से, और उनको बोलने का भी मौका नहीं मिला किसमें जाना है किसमें नहीं। डालना तो था मैंने कि अरे आ आधे जाओ। आधे ग्रुप में नहीं, अरे मेरे को अरविंद पूछ रहा है मेरे को क्लैन से निकाल दिया क्या सीन है। मैं कहा भैया आया बाद में, मैंने अरविंद को बोला मैं ये क्लैन ज्वाइन कर बैठ जा। अरविंद ऐड नहीं है अपने डीएमजी वाले में। डीएमजी ग्रुप से लीव कर गया था ना अरविंद, तो मैं भी ऐड करना भूल गया था। मैं डीएमजी इंडिया में, अच्छा आज डीएमजी इंडिया में सारे नंबर लेके व्हाट्सएप में डालता हूँ। थैंक्स अद्यमन का तक भाई, कस्टम कब शुरू होगा भैया? कस्टम होगा 9:15 पे स्टार्ट, तब तक गेम प्ले देखो मेरे यार। और ऑल है, ऑल है, ऑल है, ऑल स्नाइपर राइफल ऑल। अरे नहीं यार ये नहीं, ये तो गंदा काम। 264 की पिंग भैया, 14। चलो कोई ना, उतार जरा, कोई तो उतार दो। मार माथे में नीति, बस यही उतार मार रहा हूँ। माथे में पैर चोद यार। एक तो ना मैं जो टैप टैप नहीं होता मेरे से, मतलब तू क्या कहता है मैं टैप टैप के लिए एक फिंगर अलग से रख दूं, जिससे वो करता हूँ पीक एंड फायर पे, जैसे पीक एंड फायर और दूसरे पे दिए स्कोप वाली फिंगर पे ट्राई करूँ, जो एक पूरी स्कोप को दे रखी है मैंने फिंगर, उसको साथ में अगर टैप टैप के लिए भी यूज करना स्टार्ट करूँ, क्या बोलता है? हाँ ओबे 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 तू गया तो मैं कौन सा बचने वाला हूँ? ओबे उतर के गन भी नहीं उठाने दी। मैंने तेरे भाई ने क्या ही M24 का नोक निकाल दिया। हट बोसड़ी के, हट बोसड़ी के। फिनिश डाल बहन चोद, यही टैप टैप उठाने दे, VSC उठाने दे। लेफ्ट में मैंने एक नोक किया भाई, नोक तो मैंने बहुत प्यारे निकाले, दूसरा भी बहुत प्यारा नोक निकाला है तेरे भाई ने। तेरा भाई प्रूव करता हुआ कि भाई आई एम डीएमजी स्नाइपर। हेलो भैया, हेलो भैया, एक यहाँ नॉक किया था ना लेफ्ट में, वो रिवाइव हो गया उसे होगा। नहीं किल। ओहो ये नीचे कूद गया। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। शॉट बहुत बड़ी थी, अभी लेफ्ट में देखना जिसको मार रहा था, ये नॉक हुआ पड़ा होगा, वो भाग रहा, वो लोग घर के, घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर। मेरे घर से इधर भी एक देखा था। हाँ, वो मिट्टी ने मार दिया उसको। किल मैसी तो दिखाने पड़ेगा। अरे हरामी,
एक मिनट। हाँ जी सर, फील करने दे। ना मेरे पे VSS की गोली तक नहीं है। तो अरे M24 से ना वो नहीं हो रहा आजकल। नीतिक बोल के तो जा कुछ। पूरा मारेगा, कर ले रीलोड कर ले पहले राइट में जाके, ये एक बार VSS हगे दे इसको। नहीं। अरे देखियो देखियो, उसको शॉट पड़ा है यार बहनचोद। ये तो गलत बात है, अरे तेरा तेरा नेट हाई था, उसको लगा ही नहीं। उसको लगा ही नहीं। स्ट्रीम पे जाके देखियो, मजाक नहीं कर रहा, स्ट्रीम पे जाके देखियो भाई। डू यू गाइस स्पॉन्सर्स लाइन अप? इफ यू आर टू गुड देन यस, व्हाई नॉट। ओके सर, डन। अच्छा मतलब मेरा नेट इतना हाई था। चेक करियो चेक करियो, गोली गोली नहीं चेक चली, चेक चेक मैं तेरी तो कर। गेम देख रहा था। स्ट्रीम चेक करी इधर। देखा ना ना गोली तो चली है इधर। उसको लगा ही, देखा। हाँ नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा था ना मेरी गेम में तो गोली ही नहीं चली थी। अच्छा तेरे में दिखा रहा कि गोली चली थी, दे, तू गोली चली देख, तू नहीं नेट का फर्क देख भाई। मैं थी। और घना मुश्किल काम कर दिया। अरे लौंडो, मेरे पे तो ये आया था एक आदमी, फिर उसने ही से ऑल गोली स्नाइपर, मारी। इसकी माँ की आंख। देखो कोई बंदा अभी पूछ रहा था, आज कस्टम नहीं होगा, उसको बता देना 9:15 होगा। 9:15 बजे है मेरे भाई कस्टम। ये तो बस, रूम बन रहा है, टाइम पास हाँ करते नहीं, हैं बस। रूम तो बना पड़ा है भाई, टाइम पास कर रहे हैं। हाँ भाई आपको गेम प्ले दिखा रूम दे के अंदर थोड़ा जाके। भाई। नोक देखे तेरे भाई के लव यार, जो मारते देखे में मार गया। पर M24 में वो दम नहीं रह गया यार। यही ले ले, ये प्रिजन ले ले, प्रिजन एक स्कोर पूरी आ गई। ये अबे एक दो तीन स्कोर आ गए हैं, चलो मैं कहाँ जा रहा था। अरे मैं उठ के बैठ लूँ, चार चार चार। माँ की आंख मेरे यार। अरे इनमें से भी एक सूट वाला है भाई, सूट सही वाल काम सूट तो। कर अरे अरे देखिए, मेरा घुस गया, मेरा 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 बंदा घुस गया। कहाँ घुस गया? लैग देखियो, क्या लैग। रहा है। मेरा भी लगा गया। अबे क्या लैग हो रहा है, कितनी क्लियर अबे गन ही तुमको नहीं ही। उठा रहा। मेरे को लगा मेरे हाथ में है कार 98, में एक शॉट मार के उसको बैठ गया चुप करके। वाह भाई कुतिया बड़ा, तेरी बैठ चुप। पिस्टल घाता आगे पे। ओ भाई मैं रनिंग बंदे को ला वो दे रहा था कार 98 का शॉट। मैं कब मरा नहीं हाथ में मिलनी। सांस के माइक म्यूट करिए जरा। अरे कहाँ कहाँ से कर रहा है म्यूट है। ओके की हाल है मिठे? बढ़िया भाई बढ़िया। मौत कल का तेरा डरने मेरे को आ गया छोड़ के मैसेज ना। भोसड़े की हेल्थ है मेरे को, नेड़ मार के मर जा, ये नेड़ मार के मर जा ना पैड। ना। अरे क्यों okay, मर जा, वो ये बैठा। ओए बच गया, थोड़ा राइट कर देता। और डिसलाइक वाला फिर से आ गया वो। कॉन्स्टेंट है भाई बंदा। डिसलाइक वाला कंसिस्टेंट है बंदा। अरे भाई एक तो बोल्ट एक्शन स्नाइपर हो ना, मजा आ जाए। एक दो
उसमें भी बेंचों पर ये शॉट करने वहां की लान दे और पिस्टल का वो कर रहे थे भाई मेरा अबे ओ भाई तीन बंदे अफशियों की तरह बैठे हैं ऐसे अभी मेरे को तीन बंदे ने मिलके मारा मेरा तो देखियो क्या ही सीन बना कैसे देख रहे थे मेरे को सास के रुक जा तेरे को लेता हूँ वाइल्ड गेट आइए जरा बस रूम खेल के चले जाना की चलो अच्छा तो कोई वॉर या वॉर है नहीं ना वॉर है नहीं अरे भाई जो एक्शन बोल्ड एक्शन आ जाए यार मैं तो तब लगा रहा हूँ इसलिए एक मजा आ जाएगा भाई बोल्ड एक्शन आ गया मजाक नहीं कर रहा पर उसमें पिस्टल वाले मां की आंख साले उसमें पिस्टल से मारेंगे ओए तेरी मां चुद जे पबजी बहन की लोड़ी चल हट बैठ की लोड किस्मत झंडे बैठ जो फिर से होल तीन मैच स्नाइपर होल ओ बैठ जो अरे लिपोव के उतार लिपोव के अरे लिपोव के मार मैं कहता हूँ छोटा रहेगा ना वहां पे तो लंबा खिंच जाएगा मैच यासना में ढूंढना बंदे ढूंढेंगे इधर तो फाइट होएगी हो जाएगी मरेंगे सीधा बाहर आ जाएंगे और का 5 मिनट रहते हैं तो वहां तो ढूंढने पड़ जाएंगे बंदे यासना है मेरे को सबसे गंदी जगह लगती है कोई आ नहीं रहा यहाँ भी कोई नहीं आ रहा लग रहा आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे मिल गया पिस्टल मिलेगी किस तरफ उतरे हैं मेरी तरफ मैं तो पिस्टल पे हूँ वैसे हम भी हैं पिस्टल तो मेरे को भी मिल गई थी पर मैं नहीं गया मेरे घाट में इतने चुनने नहीं काटे बहुत सड़ी के एक लाल कर तो लहट फेन की लौड़ी अरे M24 मिली रे भाई बहुत गंदा गाना है साला इंस्टा पे किसी वीडियो पे डला पड़ा होता है क्या गाना हाँ नीति का फेवरेट है सही गाना नीति का फेवरेट है नीति खाते मेरे एक बार चलो हट फेन की लौड़ी चले निकले यहाँ से निकलो निकलो गाड़ी तो मिलेगी नहीं पर चलो अरे हेलमेट नहीं है यार मेरे पे रुक जा हेलमेट का देख ले बोल रहा था ना 6 मिनट अच्छा मेरी बॉडी बनने वाली मैन का लोड कौन सा एक रिकॉर्डिंग 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी मैंने वो मीम भेजा था ना कुत्ता कुत्ता वेंच गाना गाता फिर आता है मैन का लोड कोई बोल्ड एक्शन भी नहीं मिली मेरे को तो M24 मिल गई भाई ठीक है मेरी लूट होगी पूरी लेवल 2 का वो हेलमेट वगैरह पड़ा है स्फीयर हाउस में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना जैकेट है जैकेट भी पड़ी है इस वेयर हाउस में आजा मार्क द लोकेशन गया जल्दी चलो ना फिर रूम भी तो स्टार्ट करना है कसम यार नहीं चलते हैं यार सारे बंदे जैसे नहीं करते हैं बहन मैं मेरे को लगा ये यहाँ पे उतर आएंगे दो तीन कोई ना अपने गया ढूंढना पड़ जाता है अरे इसमें गाड़ी भी नहीं ना बहन गैम्बो नाच नाच किया पब्लिक का एंटरटेनमेंट कर थोड़ा ओके सो गाइस आपको पता है एक बात रुक जा इधर बंदा बिग गेस को सॉस के तो
कहाँ है सो उसके? Enemies ahead. गेट तो खुले पड़े सो रहे. इतना तो माइक ऑन करके बोल दे कोई ना. देखिए काम करेगा क्या बहन चोद. मेरा नेट लैग हो रहा है. सॉलिड 250 पिंग पौने 300 पिंग मेरी आ रही. तेरा कहाँ से लैग हो रहा है? कहाँ है भाई बंदे? कोई तो आ जाओ. इसलिए वो अच्छा लगता है भाई. मजा आ गया आज मैच. बिल्कुल फ्रोस्ट भाई. कैंपर बॉय इधर आओ. नीचे एनिमीज अहेड. मैं जब तक मैं माच हो गया बेंच भाई. ब्रोस्ट फ्रोस्ट भाई मजा ला दिया भाई. मोगैम्बो भाई एन हैकर प्लेयर. मोगैम्बो भाई फिनिश हाफ ऑफ दी सर्वर ले हैकर. मैं तो यहाँ गांड मराने आया हूँ भाई साहब. एरर गेमिंग हेलो हेलो भाई हेलो. ओए ओए सामने क्या चल रहा है? कहाँ है बेंच? देखी बेंच स्नाइपर को भी कैंप कर रहा था बंदा. Marked a location. इतनी दूर से ना दिखता रे बाबा. मम्मी ने बोला था हरी सब्जी खाने को. मैंने नहीं खाई थी. भाग गया बहन क्रोन. चल दे बाबा. और बंदे मारो जल्दी ब्रो. टीडीएम के भी टूर्नामेंट रखवाओ विदाउट प्राइस रख लेना. अदे तिवारी भाई हैकर नहीं है बस भाई. आज थोड़ा अग्रेसिव ज्यादा खेला और लक. अरे भैया वो तुमको नहीं हैकर बोल रहा. उसने वैसे ही बाबा उसने वैसे ही वो किया है कमेंट टेक. बाकी फ्रोस्ट भाई मजा ला दिया लोंडो आज तो. लव देखा लास्ट मैच में जो फ्रोस्ट ने क्या मजा लाया बेंच. 30 किल निकाले भाई लोंडो ने. वो एंड में तो रिफ्लेक्स का मैं फैन कर दिया भाई चोर ने. अबे भाड़ की जूत कहाँ है बंदा अभी? तेरी माँ की जूत. एक बार इधर जाओ. फट बोल इधर है बंदा. वहाँ से गोली चली थी. मारो भाड़ की दो. मेरे को नेड मार के नेड में मरना पड़ जाए भाई. रूम में तू तो आ जाओ भाई. रूम में आ रहे हैं. टेंशन नहीं. कहाँ पे नहीं थी? कहाँ पे नॉक करा? सामने वो दूर है. मैं 2 मिनट और देखूंगा. मैं तो नेड मार के मरूंगा. 43 में मैं लीव कर दूंगा. बाग मगैम्बो. अब तू मगैम्बो कैम्बो. ऊपर होगा. इधर ही गया बंदा. छत के ऊपर है. ना ना इसी फ्लोर पे गया बंदा. सारा जमीन खा गई या आसमान निकल गया? एनिमीज अहेड. बैठ चुन दिख जाओ कोई तो. एनिमीज अहेड. मां क्या फोटो लग गया. एक खेल मिल गया इधर को. ना कहाँ है बैंड कदी ना? क्या तो मैं नहीं आ रही थी. माँ की बोल रही मैं नहीं आ के बाद ये खेलता. मैं बोल रहा था बंदे ढूंढने में इतना बकवास लगता है ना. फिर ये तो सामने लाश दे रहे हैं. देखिए नो को लग के तो मगर हाँ बात. इसका ये रैक रेट पर मैं किल नहीं है. ये क्या मतलब? डेट चला गया. अरे पहुंच गए. एनिमीज अहेड. तू कहां से नॉक? अच्छा इसने नॉक किया इधर को. ओके सासुके ने वैसे भी लीव करना है मेरे साथ. उसका एक बंदा नॉक कर रखा है मैंने.
तो मेरे को एक वो उससे मारेगा बोल्ट से एक ही दो है मेरे को एनिमीज अहेड इस पेड़ के पीछे हेलो बहुत सड़ी के यार देखियो एक शॉट में बंदा ही ना मरता चल यार चलो भैया मैं जा रहा हूँ बाय बाय नीति को रिवाइव देता जाऊँ मैं साले वो करूँगा ना इसको रिवाइव कर दूँ तुम मैच खत्म कर लेना और मैं जा रहा हूँ उधर ठीक है ये रही मैं सारा सामान लीव कर रहा हूँ ओके बाय एक मिनट सो लोंडो आज के बाद स्नाइपर ट्रेनिंग नहीं खेलनी सारा बंदे ही ना मिलते सो स्नाइपर ट्रेनिंग खेलना बंद करेंगे और वो कैम्बो भैया ओपी बोल दे नहीं कि भैया और आईएसएस से तो जल्दी रैंकल इससे जल्दी तो रैंकल मैच खत्म हो जाती होगा बिल्कुल भाई मरते या मारते बैड चोद इसने तो दिमाग खराब कर दियो और सबको जान के खुशी होगी हमारे को कोरोना वायरस की इस हफ्ते की पेमेंट भी आ चुकी है और आईडी क्या है कौन सी भाई आईडी मेरे भाई सुमुख शर्मा अगर आईडी जाते तो भैया ये हमारी आईडी है सो ये रही हमारी आईडी किसी को रिक्वेस्ट को उसमें नहीं हो तो भेज लो कोई चक्कर नहीं भैया एंड बाकी रूम का देखते हैं रूम का मॉल चल गया है 88 बंदा यू नो 88 फेक इन हेल मैन एक और मैच स्टार्ट हो गया सो अब देखते हैं भैया क्या सीन है इनका और भैया बाबू भैया दैट्स व्हाट टाइम इट इज तो इनकी माँ का गो कोरोना गो एंड लेट्स सी व्हाट ओ बट बग्गा आया है बग्गे आए तो भंगड़ा कर दे बैंड जो हाँ सो व्हाट्स इन द नेम टीडीएस एंड ऑल दोस थिंग्स गोना बी वर्क इट लाइक दैट गोना बी वर्क इट लाइक दैट ओके सो हमारे पास टोटल टीम्स कितनी है वो देखते हैं इस मैच में कैसे तीन टीमें नहीं आई सो गरुड़ा जी को पता है क्या करना है क्या नहीं है तो गरुड़ा जी उनका देख लेंगे सो 24 बंदे जाते हुए लेट्स सी हाँ एक मिनट देना सो सो प्लेन बात है हमारा भाई साहब नोवो से प्रिमोस जाते हुए सो देखते हैं भैया कहाँ तक जाता है क्या माहौल चाल बनाता है ओके नाइस सो एक मिनट ये सब करे बंद
ओके सो सॉरी गाइस, सो मिल्टा में फुल बूम बाम का हमको रिक्वेस्ट आ रखी है, सो टीम पे चलते हैं, टीम एडिट पे। सो टीम एडिट के साथ है इधर बीएमसी, सो टीम एडिट वर्सेस टीम बीएमसी, और बाकी टीम्स का एक बार हम देख लेते हैं। नोवो कोई टीम्स गई है, नोवो गई है भैया हमारी कूली, कूली की टीम आजकल वैसे घर कर चुकी है, बाकी सब टीमें बाहर हो चुकी है, टीम कूली माफिया एंड मार्कोस की टीम। सो टीम थग, सो थग वालों को देखते हैं क्या बनता है, और ई और इधर ई जी डेवल एंड टीम एडिट, सो लेट्स सी भैया क्या बनता है। एंड सामने घात तक बुल्फ इनके हैं एडिथ के सामने, देखते हैं बूम बाम करते हैं जब बूम बाम करवाते हैं, और एडिथ डबल देख रहे हैं सामने घात तक बुल्फ को, और उधर से पहाड़ी को नोक मिल चुका है, पहाड़ी को नोक मिला है डीपी से इन नोवो। सो कुली की टीम पीछे एंड मेरे ख्याल से एवीजी हल्क, हल्क घुसते हुए एंड डीएमजी उधर विजार्ड हमारे गाड़ी से गुजरते, सलमान खान की मूवी देखा है विजार्ड हमारा, और विजार्ड लागू बहुत ही प्यारा डीपी वर्सेस डीपी हो गए, और हल्क नॉक हो चुके हैं, यानिश पीछे जाते हुए पर हल्क को पूरा एलियन ने दे चुके हैं। सो एलियन ने मेरे को माफिया प्रीत को भी दिया है साथ में, हाँ माफिया माफिया प्रीत भी है, और यानिश तो मेरे ख्याल से तो फिर एक ही है बंदा रह गया भैया यूएमपी लेके भाई साहब, सो इनका तो मुश्किल है। भाई करता हूँ नजपे भी जाता हूँ मेरे भाई, फाइट छोड़ के थोड़ी जाऊंगा मेरे भाई, रुक जा। सो इनका क्या ही सीन है, और अच्छा यानिश आ चुके हैं, और यानिश को क्या नॉक, और ये बाहर कर दिया गया। सो स्ट्रेट पे हम चलते हैं सी मैक की टीम पे, सो सी मैक, सी मैक वैसे यूएन सेवन क्रिप्टो ही बचे हैं, और ये अभी वैसे भागते हुए, और टीम एडिट कहाँ है वैसे, टीम एडिट और बीएमसी जाके भिड़ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ पे भिड़ते हैं भैया ये दोनों। सो एडिट और इनकी फाइट हो रही थी नोवो में, सॉरी मिल्टा में, सो मिल्टा में चलते हैं इनके जल्दी से, देखते हैं भैया कौन सी टीम ने किसको खत्म किया। मेरे ख्याल से बीएमसी, जी हाँ बीएमसी ने टीम एडिट को बाहर कर दिया स्टेट में। सो कोई चक्कर नहीं, टीम सेवन, ओ भैया रुक जा, टीम एडिट भाई बाहर हो गई है, और टीम सेवन ये रही आपकी, और एक भाई एरर अनुज को बोल रहा था, लो भैया एरर अनुज भैया ये लो, अनुज के सामने आई थिंक बीडीबी पचिंकी में उतरे हैं, और बीटी ने दिया है मैकी को नॉक। सो आयुष अकेले हैं इधर, सो आयुष अकेले हैं तो इनको थोड़ी छोड़ेंगे, मैकी को नहीं छोड़ेंगे भैया। सो पैन मैन वगैरह सब दूर हैं, और ये नफ ढाक अपने ही आप भाई साहब नॉक हो चुके हैं, और कुली नंबर चार ने इधर पहाड़ी को दिया है नॉक। सो पहाड़ी पे चलते हैं जल्दी से वेरिस पहाड़ी, और पहाड़ी भाई दूसरी बार नॉक हो चुका है लोंडा हमारा। सो लोंडा देखते हैं कुली, कुली की टीम वैसे नोवो आजकल जितनी टीम थी नोवो पे हक जमाती थी भैया सबको, भैया 4K होने वाले उसकी बहुत खुशी, और बुरा लग रहा है तिवारी गाली खाएगा। और कुली मार्कोस भी नॉक हो चुके हैं, और अब देखते हैं पहाड़ी एलियन विशाल ठाकुर, और अभी देखते हैं मोशन होता है, और इनको गया बाहर बाहर, और बिल्कुल कूली की टीम ने अपना फिर से एक बार बताया कि भैया नोवो के करंट राजा हमें, वैसे नोवो की जो मैं कहूँगा गद्दी है कभी किसी के पास जाती है, काफी दिन तक K9 के पास रही थी, उसके बाद 2-3 दिन T3F के पास भी रही, पर अब लगातार 2 दिन से कूली वाले इस पे अपना पूरा ऊपर हक जमा रहे हैं, और बता रहे हैं कि भैया कौन है राजा। और प्रॉक्सी की टीम पे चलते हैं, प्रॉक्सी की टीम का है वैसे ये तो पॉक्सी पोक्सो है, सो नमन प्रॉक्सी, नमन और प्रॉक्सी, सो अच्छी आई हैव टू गो समवेयर एल्स। इन्होंने मेरे ख्याल से बाहर कर दिया भाई, बसड़ की टीम के साथ इनकी हुई थी बसड़, तो बसड़ की टीम ने इनको बताया भैया ना नहीं ये तो हो ही सकता, और एरर की टीम भी है, एरर की टीम की बीडीबी के साथ होगी है, तो एरर की टीम पे स्ट्रेट पे चलते हैं। बीडीबी के कितने बंदे होंगे, बीडीबी के शॉक्स बार उसके बग्गा यूएफपी लेके स्प्रेस देते हुए जाते जाते, एंड अब ये देखते हैं एरर उधर नेट खींच रहे हैं, सो देखते हैं नेट कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, और टीम एडिथ दिखाइए, सॉरी ब्रदर टीम एडिथ बार हो चुकी है भैया, और 12 नंबर टीम पे भी अभी आते हैं मेरे भाई, टेंशन ना ले,
और सब पे आएंगे भाई, पर थोड़ा सा टाइम दे दो यार, थोड़ा सा बूम बाम ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जितनी बूम बाम होगी होगी, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट ना कम से कम भी, टीमें जब रोटेशन पे आएंगी तब कोई बूम बाम होगी नहीं। सो भैया बहुत ही प्यारा नेट भैया जेंट का, और क्रिलिन नॉक हो चुके हैं, एंड अब देखते हैं स्ट्राइकर की पोजीशन पीछे। सो स्ट्राइकर टीपी ले खड़े हैं और कुछ नहीं स्ट्राइकर, और ये सामने सिंह भी आ रही है। सो देखते हैं पीक एंड फायर, सिंह बहुत ही लो है मेरे ख्याल से, देखने वाली बात है। और ने हेल्पफुल कर ली थी, बट स्ट्राइकर का बहुत ही बढ़िया, और बग्गी ने देखते बग्गी करते हैं, और बग्गी ने उदय को भी दिया है, और सिर्फ जेंट बचे थे। जेंट देखते हैं कि 1v2 क्लच कर पाएंगे, अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे, नहीं जो ये भी बड़ी सिचुएशन नहीं, और बीटीबी ने ये तो कर दिया है कुछ कांड, और बग्गे अब तो बंगड़ा बनता है, बग्गे बंगड़ा कर कर दे बंगड़ा पैच, और बग्गा देखते हैं अभी बंगड़ा कर देगा। और यार मैं इतना प्रो नहीं हूँ तो ट्रिपली ओके। सो उधर व्हाट्स इन द नेम की नैया पार हो चुकी है मेरे ख्याल से। सो इन पे चलते हैं भैया, कहाँ है वैसे व्हाट्स इन द नेम, हाँ सो व्हाट्स इन द नेम की नैया पार किसने की है वैसे। उससे पहले हम सी मैग पे चलते हैं भैया। सो सी मैग की मेरे ख्याल से बीएमसी के साथ फाइट हो रही है, या बीएमसी की साइन लाइन में घातक बुल भी बजते हैं। और घातक वुल्फ ने एक और नॉक दिया है, एंड ये बाहर क्रूति भी, और लक्षित का क्रूति, लक्षित मेरे ख्याल से दूर है, सो क्रूति का भी बचना नामुमकिन है भैया इधर से, तो नामुमकिन ही है। और मुक्कों से बिल्कुल मर के बीएमसी वाले अपनी जो इनके साथ दुश्मनी उनको निभाते, और डीएमजी के हमारे लौंडे, ये हमारे ग्रूट अमित लोकी और विजार्ड डीएमजी में जो 47 से आए हैं, 47 और डीएमजी के क्लब उससे हैं। पहले तो बहुत ही वेलकम सभी न्यू मेंबर्स का हमारे डीएमजी में, हम सबको खुले दिल से खुली मांव से वेलकम करते हैं अपने भाइयों को। एंड अब ये देखते हैं भैया क्या सीन है क्या नहीं है। और इधर ये है, और स्काईफॉल की टीम भी एक अपनी खोते हुए, मैकी को खोते हुए जजमेंट सिटी पहुंच ही चुकी है। सो लेट्स सी इनका आगे क्या बनता है, और आगे किस किस की फाइट हो सकती है। नोवो कुली तो नहीं मिलता, मिलती कोई नहीं, और इनकी फाइट हो सकती है जल्दी। टीम भसड़ की और रोकी के सामने है आईएम की टीम। सो आईएम की टीम को देखते हैं, आईएम की टीम कैंप कर चुकी है ब्रिज, आई थिंक इन्होंने पर देख लिया था कि आईएम की टीम को आते। ओहो नहीं, इधर नमन आगे आते हुए। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ओहो भैया मयूर, मयूर भाई का तो कुछ और ही कर दिया, बहुत ही प्यारी कर, और मयूर का क्या नेट लैग हो गया था, कितनी गोली पड़ने के बाद भी उधर ही खड़ा था ये, तो क्या ही बोले, कुछ अलग ही सीन हो गया था मयूर का। एंड अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं कोई दिक्कत नहीं भैया। एंड अब ये देखते हैं ईशांत क्या करते हैं, मयूर को रिवाइव कर पाते कि नहीं। और ब्रिज पे फाइट्स होती हुई, और UN7 ने वैसे बग्गे को नोक दिया है। सो आई स्टेड वे गो टू बीटीवी, और क्रिलिन के पास है UN7 की प्रॉपर्टी में। ये भी रश करने के पोजीशन में है। इनका देखते हैं क्या बनाते हैं। हाँ ये मेरे ख्याल से रश कर चुके हैं टीम नंबर 1 के बीटीवी पे रश कर चुके हैं। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं है। और पटेल YT ने दे दिया नॉक, और उधर नमन बीटीबी स्ट्राइकर बारे, और क्लिन बचते, क्लिन बचे पचिंकी में। सो ही इज गेटिंग द चिल पिल, सो ही डोंट गिव अ फक टू आउट। एंड अब ये देखते हैं दिशांत है, M760 जोकर भी है। क्या करते हैं, और भाई जो टॉप पे है उसकी मर्जी, वो जो मर्जी कर सकता है। ये मत कहो यार अब, मतलब प्लीज प्लीज भाई मेरे को पिंच मत करो इन बातों पे, ठीक है, कि इसके पास ये है वो है। भाई
सपोर्ट तो कर रहे हैं ना हम, अब सपोर्टर्स को दे रहे तो प्लीज डोंट पिंच अस। सो इधर अमित देखते हैं, अमित ने दिया है एंड टीएफ का नॉक आता हुआ एंड सॉरी नहीं सॉरी टीम नंबर 4 इधर और पैनमैन। ओ पैनमैन को बहुत ही प्यारा नॉक डीएमजी अमित का, और लोंडे ने बहुत ही प्यारा मतलब ग्रेनेडियर, और इफ यू वांट ट्रेनिंग यू कैन कम तालिबान, डोंट गो टू तालिबान, कम टू डीएमजी, हम आपको ट्रेनिंग दे। और बहुत ही बढ़िया एक और नेट्स के साथ सीधे खत्म किया है स्काईफॉल की टीम को, देखते स्काईफॉल और स्टैन का। सो एके स्टैन और स्काईफॉल, लेट्स सी लोंडो क्या बनता है इन दोनों का। सो पोजीशनिंग्स का देखते एक बार सामने इनके डीएमजी और भैया बिग शॉट आउट, बिग शॉट आउट टू भैया हमारी रिद्धि को, और एक बार फिर से हम शॉट आउट देंगे, एक मिनट देना। सो प्लीज इधर नॉक हो चुकी है वैसे टीम जी। सो गाइस बिग शॉट आउट टू ठाकुर कुलदीप सिंह जी फ्रॉम कानुवान, ठाकुर विनोद ठाकुर, शिवानी ठाकुर एंड बिग बहुत ही बड़ा शॉट आउट टू भैया हमारी रिद्धि ठाकुर को एंड जोली ठाकुर को, बहुत सारी गालियां मेरी तरफ से, पर बहुत ही बड़ा शॉट आउट भाई टू ठाकुर रिद्धि हमारी मेरी भतीजी है वैसे। सो भैया एक बार रिद्धि के नाम का थोड़ा स्पैम कर दो। सो बसर टीम दिखाओ भाई, बसर टीम को ही दिखा देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। सो भतीजी हमारी भी स्ट्रीम देख रही है भैया। सो एक बार रिद्धि के नाम के सबको, और एक मिनट देना, एक मिनट। सो इधर बसर की टीम का क्या चल रहा है, गैम्बल क्या है, गैम्बल मतलब जुआ है मेरे भाई। और रिद्धि हमारी थोड़ी बीमार है, सो गेट वेल सून रिद्धि एंड थोड़ी बीमार चल रही है, मौसम ही चेंज करूँगा। सो गेट वेल सून रिद्धि इस वक्त, और आज रिद्धि ने अपने हमारे चैनल पे आके हमको धन्य किया है। एंड अब ये देखते हैं नमन भाई की टीम का कि क्या सीन चलता है, और यहाँ टीम बसड़ देखो भाई, बसड़ का देख ले, बसड़ ने बसड़ मचा दी है मेरे भाई। और यूएन सेवन के साथ इधर घातक की टीम का हो रखा है, सॉरी घातक जेड गोड, और विजार्ड ने इधर नॉक एंड फिनिश दिया है, घुस के मारा है डीएमजी विजार्ड ने, बहुत ही बढ़िया लोंडे। और अब ये देखते हैं कुली नंबर 1-4 सबका, एंड एक मिनट दीजिएगा। सो गाइस ये देखते हैं वुल्फ ने एक बहुत ही प्यारा दिया है यूएन सेवन के, फ्लैश को मेरे ख्याल से नॉक दिया है। सो पटेल पीछे से आते हुए, सो क्या बचा पाएंगे, एंड ये देखते हैं भैया क्या कर पाते हैं क्या नहीं है। सो लेट्स सी थिंग्स गोना बी लाइक, पटेल है, फ्लैश बच चुके हैं बिल्कुल, सामने फ्लेयर मंगाई थी तो वैसे सिंपल सीधे बाहर क्यों जा रहे हैं, ये बात ना समझ आई मेरे को, बट चलो कोई ना। और K4 T4 और हबशी ये सब इकट्ठे हो गए हैं आज लोंडे, और हंटर भाई दे दी पॉपुलरिटी। ओके अब ये देखते हैं भैया क्या बनता है क्या नहीं है, और इन पे यूएन सेवन आ चुकी है, सो लेट्स सी। और आते ही एक मोली मोल्टोस कर दी है, एंड देखते हैं भैया डाल तो देते मजा आ जाता अगर डाल देते वैसे। सो हबशी इधर बैठे हुए यूएन सेवन सिंपल ऊपर से आने की कोशिश, और इन पे वैसे घुसने की प्रॉपर पोजीशनिंग्स पे है। सो हबशी इधर है, K4SM ये भी इधर है, नीचे एक नेड किया गया है। सो नेड देखते हैं किसी, आई डोंट थिंक सो किसी को डैमेज कर पाएगा, और डैमेज नहीं कर पाया। और अब ये देखते हैं क्रिप्टो आई थिंक क्रिप्टो घुसने की पोजीशन में, और मोली एक करते हुए सीढ़ियों पे, भैया सीढ़ियों पे मोली का कोई फायदा नहीं। और T4 तोसिफ ने एक बहुत ही प्यारा नॉक दिया नेट से, और तोसिफ भी नॉक होते हैं पटेल बाइटी के नेट से। सो बूम बाम इधर प्रॉपर चलेगा, सो यू नो व्हाट टाइम इट इज वॉकिंग बूम बाम बूम बाम बिटवीन टीम 17 एंड टीम UN7। सो UN7 वैसे ओ भैया एक बहुत ही प्यारी मोली पर अपना बंदा भी चला दिया, क्या फायदा हुआ, तो बंदा बच पाएगा कि नहीं पता नहीं। सो UN7 का देखते हैं, और UN7 अपने आप को हील करती है, ज्यादा डैमेज ना होता होगा, और UN7 सारी उठ चुकी है, हबशी क्या रिवाइव दे पाएंगे, और कास्फी भी बैठे हैं। तो इधर देखते हैं हबशी पे चढ़ते हुए, तो आपकी कार होते हैं, और नहीं, और
बहुत ही प्यारा कवर अप देके, बट नहीं इन्होंने बाहर किया है। यूएन सेवन अपनी पुरानी फॉर्म में आती है, 6 किल के साथ घूम रही है, बहुत ही बढ़िया। और हम चलते इतने में टीम ईएनएफ पे, ईएनएफ के वैसे डार्क खुद ही नॉक हो गए थे गाड़ी से गिर के, पर चलो कोई ना, चलता रहता है इतना तो। अब देखते हैं भैया, एक मिनट देना प्लीज। हाँ सो पोक्सो के एक बंदे बचे हैं और हम चलते हैं कुली पे। कुली की टीम फाइट ले रही है कहीं, कुली की टीम वैसे कहीं फाइट नहीं ले रही। और बीएमसी 7 किल के साथ घूम रही है और डीएमजी हमारी 4 किल के साथ, विजार्ड 3 किल अकेले, सो बहुत ही बढ़िया। सो इनका देखते हैं सामने, इनके वैसे तो अभी तक कोई नहीं है, सुनील की टीम तो पीछे रह गई है। हाँ सो एक मेरे को मैसेज करने दीजिए प्लीज। सो लोंडो एरर को दिखाओ भाई, भाई एरर को चलते हैं। हाँ एरर पे चल जाते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है? एरर नहीं, एरर का तो सच क्लच हो गया भाई, एरर बहुत जल्दी बाहर हो गई थी आज स्टार्टिंग में ही। बीटीबी ने क्लच कर दिया था उनका। सो क्लच करने गए थे पर क्लच हो के आए हैं। एरर भी वैसे ज़्यादा जल्दी बाहर होती नहीं, पर आज पता नहीं किस्मत बुरी कह लो। और एक मिनट देना भाई, और एक ही मिनट। एंड ये क्या है, ये क्या है? एंड भैया ये सुन पे ही नहीं आते, बोलते बिल्कुल। और यूएन सेवन पे चलते, यूएन सेवन के सामने पास बीटी भी है, कुली भी आसपास ही है। तो जोन रोटेशन का देखते हैं, 15 टीमें बची हैं और छोटा जोन, तो जोन रोटेशन इज ऑन दी वे इन 2 मिनट्स। सो लेट्स सी इधर भी क्या बनता है। ग्रोजा हाथ में और भैया बीटीबी क्रिल ने बहुत ही प्यारा नॉक किया एंड फिनिश भी देते हैं स्ट्रेट अवे फिनिश दे रहे हैं क्रिल। पता है भैया मेरा बचना थोड़ा मुश्किल है पर मैं किसी और को नहीं छोड़ूंगा। और नंबर वन नीचे है, सो कुली नंबर वन को मेरे ख्याल से दे सकते हैं ये और भी। सो लेट्स सी क्या बनता है। और भैया ये देखते हैं यूएन सेवन, बहुत ही बढ़िया, यूएन सेवन के बंदे ही बैठे हैं पीछे से थर्ड पार्टी करने। सो कुड़ी नंबर वन वैसे हील क्यों नहीं कर रहे? ओके हील कर चुके, ग्रोजा इनके भी हाथ में। भैया बोले ज्यादा मस्के लगाने के नहीं, ज्यादा दिमाग पति करने के नहीं, मैच दिंग खड़े खो दिंग ऊपर लिख दें कुली है। और पीछे से 20 नंबर टीम के और भी कवर अप में कहूंगा आता हुआ। सो लेट्स सी भैया इनका क्या बनता है। सो लेट्स सी, और स्टेडियम में बाहर गया है। सो अब देखते हैं यूएन सेवन आती है या क्या करती है। सो यूएन सेवन का देखना पड़ेगा एक बार। ओके सो इसका देखते हैं, यूएन सेवन है एंड अल्बर्ट कुली नंबर वन। ओके नाइस, अध्यम मिलेगा रोल पास भाई, टॉप 10 को नहीं मिलेगा, सिर्फ नंबर 1 को मिलेगा। टॉप 10 वालों के लिए भी कुछ लेके आएंगे, तो टॉप 10 में रहेंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ही, टेंशन ना लो। हाँ सो इधर टीएनएक्स के सामने तो वैसे कोई नहीं अभी तक, तो भैया थर्ड पार्टी लेने टीपी भी लेने का ऐसे तो कोई फायदा नहीं होता। एंड अब ये देखते हैं यूएन, और भैया हम पहली बात हम माफ़ी मांगते हैं पहले 7 बजे वाले मैच के लिए, थोड़ा सा उधर बकचोदी हो गई थी। सो कोई चक्कर नहीं, चलती का नाम जिंदगी, गलती तो बंदे से ही होती है। और भाई टॉप 10 वाले जो हैं हमारे स्पोर्टर्स उनको कुछ ना कुछ देंगे, पर वो सब कुछ अनाउंस होगा भाई स्ट्रीम पे ही, जिस दिन 4K वाला वो रोल पास देंगे उसी दिन होगा, ठीक है? सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। एंड अब जो हमने रोल पास देना है स्पोर्टर को, हम ऐसे ही देंगे वो मेरी आईडी से जाए, मेरी आईडी से जाएगा ये जो स्पोर्टर को देना है हमने, ठीक है? प्रॉपर वो मेरी आईडी से देंगे। एंड
जो मिडास भाई वाला है वो हम सॉरी जो रैंडम होगा वो हम मिडास भाई से देखेंगे, ठीक है। और स्पोर्टर को एक मैच अपने साथ खिलाएंगे भाई को प्रॉपर, ठीक है, और उसके रोल पास भी देंगे जरूर, ठीक है, जो नंबर वन पे रहेगा। टेंशन न करे बाबा। और डीएमजी शर्मा जी आते हुए वैसे चैट में, शर्मा जी का आपको इंस्टा पे आया था कि भैया सॉरी आजकल थोड़े घर के कामों में व्यस्त हैं सो आ नहीं पा रहे प्रॉपर, तो बोले टेंशन लो रॉयल पास की बाकी आगे, एक बार रॉयल पास दे दिया बाकी बात 14 खड्डा खोदेंगे ऊपर लगते हैं। डीएमजी और लव यूरो 3.58 के हैं ब्रो, बिल्कुल भैया जल्दी 4,000 भी होंगे और 4,000 5,000 10,000 12,000 मिलियन करेंगे किसी दिन, एंड वन इन द मिलियन शुड बी डीएमजी। एंड डीएमजी की बात चली तो डीएमजी वाले लोंडो पे तो जाना बनती है, सो लोंडे हमारे किसी को फाइट ले रहे हैं और अमित दे रहे हैं और नोक और बीटी आयुष और नहीं 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 और आई जी शो सोनू सोनू ने क्या कर दिया भैया इधर, और पीछे से 16 नंबर टीम और उन्होंने दूर से लिया माफी वाला भी कम हो गए अब तो ये। एंड आईसी रोहित और यूएन ने आईसी रोहित को प्रूफ पर बाहर किया भैया ये क्या चीज कर रहा है, और ये गाड़ी को फोड़ते हुए प्रियांशु पे एक नेट भी जा रहा है, सो प्रियांशु डीएमजी ग्रुप के नेट से बाहर होते हुए और माफिया एमजे भाग रहे हैं, उनको पता है जान बची तो लाखों का है बात हो गया। और अपने लौंडे मयूर जिंदा है, गुड क्वेश्चन आई लाइक योर क्वेश्चन, और नहीं भाई मयूर नहीं है जिंदा। सो यूएन सेवन क्रिप्टो का देखते हैं, क्रिप्टो के सामने है टीम नंबर 7 के करण, तो करण की पोजीशन से करण बच रहे हैं बचा रहे हैं अपने आप को, पर टीवी भी सही नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ, पर पीछे से विवेक ने आके एक बहुत ही बड़ा सांप बन गया हो गया और विवेक को पिक ऑफ कर लिया गया, सांप को स्पोर्ट कर लिया और बहुत ही प्यारा नेड, और करण लेट चुके हैं देखते कुछ कर पाएंगे कि नहीं। क्या ये सामने यूएन सेवन मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया टीम है वैसे यूएन सेवन ही, जब भी खेलते हैं अग्रेसिवनेस से बहुत ही ज्यादा किल निकालते हैं, सो देखते हैं। और सामने करण है पटेल के और पाटिल देखते हैं कुछ और वैसे ये किसको स्प्रे दे रहे भैया उधर तो कोई भी नहीं है। तो बसंत ने इधर दिया है यूएन आयान को, सो आयान पे चलते हैं एक बार जल्दी से, बसड़ की टीम का है वैसे, बसड़ की टीम इधर है, सो बसड़ की टीम के साथ साथ देखते हैं हाँ सो गोल विशु, सो मयूर की टीम के सिर्फ यही बचे वासु बचे, सो उधर मेरे ख्याल से बाहर कर दिया करण को, टीम नंबर 7 को बाहर किया गया है। बीएमसी स्लेयर और टीएफ का देखते हैं भैया, टीएफ इधर है एंड बसड़ की टीम भी इधर ही है, सो लेट्स सी भैया, और मुझे भी चाहिए ओके हाँ टीएफ मलिक साकिर जायद हाँ बहुत ही बढ़िया लौंडो, सो लेट्स सी इनका क्या बनता है ओके ओके एंड भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं जिसको भी मैंने समझाना मैं जरा मैच कवर अप कर लूँ उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है एक मिनट देना मैं जरा मैच कवर अप कर लेता हूँ। और इतने में हम करते हैं डीएमजी विजार्ड पे, सो डीएमजी विजार्ड ने एक नॉक दिया है, सो विजार्ड ने नॉक एंड फिनिश दिया है और लेट के नो रिकॉल स्प्रे मैं कहूँगा नो रिकॉल स्प्रे दिखाते, और कूली नंबर 1 बचे थे उनको भी बाहर कर दिया गया इधर से, सो डीएमजी की टीम के पास अभी तक, सो टीएफ की टीम पे चलते हैं, टीएफ ने दिया है बसड़ को भैया नॉक, सो लेट्स सी व्हाट द होप एंड ओके सो लेट्स सी और भैया जो आज के विनर्स होंगे उनको भैया उनके रिवॉर्ड्स कल तक आएंगे, बिकॉज हमारे गरुड़ा जी सो चुके हैं ये रूम बना के क्योंकि उनको सुबह जरा किसी काम से जयपुर जाना है, सो दैट इज द थिंग, सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तो प्लीज बी पेशेंस, और कल की सारी पेमेंट्स क्लियर है सिर्फ आज की पेमेंट्स रहते हैं, सो उसका देखते हैं। और पोक्सो ने दिया है और डीएमजी उधर फिर से हमारे डीएमजी विजार्ड दे रहे हैं नॉक पे नॉक बार बार, और 6 किल निकाल चुके हैं विजार्ड, सो अब ये देखते हैं घातक वुल्फ और घातक जेड गोड सामने हैं डीएमजी, और अब देखते हैं लौंडे क्या करते हैं हमारे, सो
रिच पे ले रहे हैं टीपी भी बहुत ही बढ़िया। और ये मेरे ख्याल से विजार्ड विजार्ड को सामने जाने की सजा जरूर देगा ब्रोकन ब्रिज करते हुए, बहुत ही बेरा। और लोकी भी करते हुए और रिच का प्रॉपर फायदा ले रहे हैं और स्टेड में फिनिश भी कर रहे हैं भैया साथ साथ में। और ग्रूट देखते और ये क्या सीन हो रहा है, एक मिनट देना गाइस। और स्लीप इज गोइंग गाइस। और घातक सामने आ चुके हैं और देखते हैं ग्रूट ने बहुत ही प्यारा एक नॉक दिया है। सो वुल्फ के साथ वन ई वन की सिचुएशन और बहुत ही बढ़िया। और डीएमजी ग्रूट ने इधर बताया कि भैया कौन है, हम कौन होते हैं, हम डीएमजी वाले होते हैं बिल्कुल। और डीएमजी 47 के क्लैप मचा रहा है अभी। एंड अब ये देखते हैं, सो यूएन 7 जोन में भागता है, जोन बहुत ही ओपन है और पाँच मिनट में मैक्सिमम 5 मिनट में मैच जाएगा। और यूएन 7 और नमन ने यूएन 7 के सिंपल को नॉक किया है। सो अब देखते हैं नमन अकेले बचे बसड़ की टीम के। सो अब ये देखते हैं भैया क्या बनाते क्या नहीं। शर्मा जरा भाई को समझा देगा रावण को क्या चाहिए। और ये नमन को बाहर किया गया है, ठीक है। और अब ये देखते हैं और ओके तो क्रिप्टो है एंड क्रिप्टो को बाहर किया। आफ्टर दैट मिस्टर विशाल सो सॉरी फ्लैश का। और डीएमजी अमित ने ईएनएफ के एक्सी को भी लिया है। वरुण बचते हैं, सो वरुण का गाड़ी पे और पीछे से ग्रूट का था। ग्रूट ने बहुत ही प्यारा सा प्ले देखा, बाहर गए स्टेड में एकेएम से और बहुत ही बढ़िया लौंडे। और ग्रूट 4 किल के साथ 10 किल के साथ डीएमजी घूम रही है। क्रिप्टो 11 किल के साथ यूएन घूम रही है। टीएफ अभी तक 1 किल के साथ ही है और सेफ खेल रही है। और आईजीएन भी सेफ खेल रही है, बीटी आयुष की टीम। सो इनका देखते हैं भैया क्या माहौल चाल बनता है। हेलो सर जी, हेलो मुल्ला साहब कैसे हो। एंड भाई जितने भी लौंडे हमारे देख रहे भैया सबको मोगैम्बो की तरफ से और पूरी डीएमजी की तरफ से बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। और अब देखते हैं आगे क्या बनता है मेरे यार। एंड ये एफ एफ ध्रुव और पटेल, यूएन पटेल है इधर सामने, यूएन 7 फ्लैश पटेल क्रिप्टो। सो और टीएफ मलिक को दिया गया नॉक्स। और शाकिर के देखते हैं शाकिर क्या करते हैं। और जैद और लेट के वैसे लेट के स्प्रे देने की सॉरी एडीएस ऑन करने की गलती हुई, बट कोई जगह बीच में बहुत ही बढ़िया आयुष का कवर आता हुआ। और सुमो को क्या बचा पाएंगे कि नहीं, सो ये देखने वाली बात है। और डीएमजी के हमारे 2 लौंडे और ये 7 उधर किल्स प्रॉपर चुराए रहे हैं और जोन के अंदर है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इन पे। सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बन पाएगा इधर, क्योंकि जोन के अंदर खुले में से आना है और नहीं मुश्किल देखा जोन के अंदर आना है खुले में से तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगी। सो अब देखते हैं भैया ग्रूट कुछ कर पाएंगे। और यूएन और थोड़ी सी लगी अगर ग्रूट को तो मुश्किल हो जाएगा इनका। तो देखते हैं हाँ सो हेल्थ तो लग चुकी है। अब ये देखते हैं और ओहो भाई 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 सलवार गार के मैंने क्या ही ग्रूट उठे बट ग्रूट उठे पर जंप नहीं कर पाए। अगर जंप कर देते तो भाई ये सिचुएशन भी अलग ही हो जाती, ये भी अलग सिचुएशन हो जाती, बिकॉज वो जोन से स्ट्रेट अवे यूएन का बंदा स्ट्रेट अवे बाहर था। बट बिग शाउट आउट भाई टू अपने डीएमजी 47 की लाइनअप्स को एंड यूएन 7। मैंने बोला था भैया ये जब भी मचाते बहुत गंदा मचाते हैं, तो वही काम कर चुके, 15 किल का चिकन लेके जा चुके। और आज के लिए भाई जो भी टीमें जीते हैं बहुत बहुत बिग शॉट आउट टू यू गाइस एंड बहुत ही बढ़िया मैच के आज के। सो हम आपको मिलते हैं कल इसी टाइम, मतलब 7 से 10 बजे के बीच। एंड और क्या था भैया, हेलो जी हेलो। एंड जिसको भैया रॉयल पास वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी एक वीडियो है उसका टाइटल होगा 50 रोल पास गिव अवे, सो प्लीज उस पे जाके एक बार चेक कर लीजिए सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हमने रावण भाई उस पे बता रखी है। सो आपको उस पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो वो आपको एक बार बता देंगे, सो आपका थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो उसके देखते हैं एक मिनट, भावेश आता हूँ मैं, जरा स्ट्रीम पे हूँ।
स्ट्रीम पे हो, चलो ठीक है स्ट्रीम के बाद ओके। सो मौत भाई कोई बोलो जरा, मौत भाई स्ट्रीम स्ट्रीम जान। बढ़िया भाई बढ़िया। जरा मैं स्ट्रीम बंद करके आया, एक मिनट देना। और मौत भाई हेलो बोलो स्ट्रीम को। अच्छा मौत और तो और हेलो आए पप्पिया पप्पिया मौत ऐसी वालों की तरफ से, कबीर, ऐसी वालों की तरफ से पप्पिया और हेलो। और गाइस जो जो रॉयल पास बहुत वाले सारा प्यार। बहुत सारा बहुत सारा, और हेटर्स की गांड पे थोड़ा सा तेल भी डल्ले साले डल्ले, मुंह में लंड देंगे, मुठ मार देंगे बहन के लड़ो के। तिलवा अरे चल खुला चैलेंज, मां चोद दो बहन चोद, गुस्ती प्रेगनेंसी रुक सालों जा की रुक जा रुक जा ये रुक बहन जा लड़ो रुक करवा चौथ इधर जा। उधर पड़ी है, सारे बहन दिमाग ठंड खराब हो पा, गया था। मत अरे एम्ब्रो भाई ठंड बहन पा के लड़े, ठंड पा रुक जा, स्ट्रीम बंद करने मैंने दे। इतनी औकात नहीं अरे रखी बहन बैठ के लड़े चोद के लिए, रुक चोरी की जा, तरह करी स्ट्रीम है। बंद करने दे साले। और गाइस जो जो भाई रॉयल पास का पूछ रहे थे भैया, एक वीडियो, एक नहीं दो चार वीडियो पड़ी हुई है 50 रॉयल पास का, उसका वो है कैप्शन है, प्लीज उस पे जाके देख लो। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उधर बता रखी है, सो प्लीज गो ऑन दैट वीडियो। एंड हम आपको कल मिलते हैं 7 बजे। सो जिसने गाइज भी हेलो हेलो गाइज, ये बोलेगा मुकेम्बो भाई ने मेरे को 1800 वाला रॉयल पास दिया भाई, थैंक यू भाई थैंक यू। ये मैं स्ट्रीम पे बोलने वाला था पर बहुत दिनों से हम भाई, थैंक अभी यू लोग की मुकेम्बो भाई। एक घंटे में स्ट्रीम अब बंद दलों की ओर करके। चलते हैं भाई, अब दलों की ओर चलते हैं। और गाइस दैट्स ऑल, और हम आपको मिलते हैं कल 7 बजे। और जिस भी टीम ने रजिस्ट्रेशन करना हो तभी आपको स्लॉट मिलेंगे। लोग एक मिनट में आया भाई स्ट्रीम बंद करके। सो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको स्लॉट्स मिल सकते हैं भैया, सो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एंड रजिस्ट्रेशन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और आप इंस्टाग्राम के बायो में जाके भी रजिस्ट्रेशन गुड लिंक कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल, गुड नाइट एंड लव यू ऑल हेटर्स की बहन को भी मेरा लव यू। और आई एम स्ट्रीम बंद करके। नाइट।